प्रदेश में इन दिनों साइबर क्राइम के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी के चलते जयपुर के चंदवाजी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो डालने के मामले में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों का पीड़िता के साथ सोशल मीडिया पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद युवक युवती ने पीड़िता की फोटोज को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही पीड़िता को इस बात की जानकारी मिली तो उसने चंदवाजी थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवती साइबर एक्सपर्ट है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो अगर उस पर किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं तो आप लोग हवालात में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही मामला चंदवाजी थाना इलाके के अंदर आया और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुलजिमों को यहां पर अरेस्ट किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका मिसयूज किया है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर है ज्ञानचंद यादव जी, जो एडिशनल SP है जयपुर ग्रामीण के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई रही है सर, और किस तरह के प्लेटफॉर्म पर ये जो दोनों मुलजिम थे वो उसका मिसयूज कर रहे हैं? हमारे पास में एक परिवाद FIR आई कि साहब मेरे कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पे उनको एडिटिंग करके और अश्लील तरीके से प्रसारित किए जा रहे हैं, और उन फोटोओं के साथ में फेक ID बना के मेरे जानकारों को और मेरे रिश्तेदारों को उसका भिजवाया जा रहा है, जिस पर तुरंत केस रजिस्टर किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से सूचनाएं प्राप्त की गई और उस आदमी को ट्रेस करने के लिए हमने एक टीम बनाई और उस टीम ने दिन रात मेहनत करके ट्रैक किया। ट्रैक करने पर हमने दो आदमियों को, एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। किस तरह का सर ये कृत्य कर रहे थे ये बेसिकली, और ये, क्या ये जैसा कि एविडेंस अभी तक आई है उसकी जो फोटो है पीड़िता की, उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और उसमें एडिटिंग किया। एडिटिंग करने के बाद में उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए और उसको एक तरह से ब्लैकमेल भी किया गया कि तू ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा होगा। और वो काफ़ी, उसने जो पुलिस को बताया वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, अपने काफ़ी बदनामी महसूस कर रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने उसकी सारा एविडेंस कलेक्ट करके और IP एड्रेस लेके और तथाकथित मुलजिम तक पहुँचे और उनके मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए गए। हाँ, तो बिल्कुल, इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर चंदवाजी थाने के प्रभारी विक्रांत शर्मा, इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि एक जो महिला थी वो लगातार डिप्रेशन में आ चुकी थी क्योंकि लगातार उसकी बदनामी हो रही थी सोशल मीडिया पर, मगर उसके बाद विक्रांत शर्मा ने तुरंत उस पर एक्शन लिया एडिशनल SP साहब के निर्देश में, और उसके बाद दोनों मुलजिमों में यहाँ पर अरेस्ट किया है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या थी महिला जब सबसे पहले आई? महिला जब थाने पे आई थी तो मैं वो इस कदर डरी हुई थी कि वो FIR भी नहीं दर्ज कराना चाह रही थी कि भैया मेरा साहब बिना FIR के ही आपके मुझे पता लगा के बता दीजिए कि ये कौन है। लेकिन उस पर हमने उसको समझाया कि भाई बिना FIR के जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं वो सूचना नहीं उपलब्ध करवाती है, जिस पर उनको समझाइश करके FIR दर्ज की गई। और उसके बाद में वो महिला डिप्रेस थी काफ़ी, उसने श्रीमान एडिशनल साहब SP साहब से भी वार्ता करके इस बात की अवगत जानकारी उनको दी गई, हमारे द्वारा भी साहब को निर्देशित निवेदन किया गया। उसके बाद साहब ने इसको गंभीरता से लेते हुए और साइबर टीम की हमको कोऑर्डिनेशन करवाया, उसके मदद से हमने इसको ट्रेस करके एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। भूमिका क्या है दोनों की, जिनको दोनों को अरेस्ट किया गया है, सिमरन और करण? पीड़िता जो लड़की है वो और जो आरोपी है उसका, वो आपस में बुआ की बेटी बहन है दोनों, और इनका फैमिली में डिस्प्यूट है जैसा कि पूछताछ में बताया गया है, पारिवारिक जो तनाव है उसकी वजह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। उसी का बदला लेने के लिए जो मुलजिमा है उसने फर्जी IDs बनाई 2-3 और उस पर महिला की फ़ोटो लगा के और अश्लील कमेंट्स किए, उसके ब्रदर को, खुद को, उसको और अन्य लोगों को भी भेजे और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी अन्य लोगों को। तो बिल्कुल, ये थे विक्रांत शर्मा जी जो बता रहे थे कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे दोनों शख्स, और उसके बाद एक युवती थी उसको यहाँ पर बदनाम किया जा रहा था, मगर
और ये सारी जो साजिश रची गई थी ये सिर्फ बदला लेने के लिए रची गई थी, मगर यहाँ पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, उसके बाद दोनों शख्सों को यहाँ पर तुरंत अरेस्ट कर लिया। फिलहाल पुलिस है दोनों शख्सों से यहाँ पर पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद और अन्य वारदातों का यहाँ पर खुलासा हो सकेगा। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंदर शर्मा, एवं टीवी न्यूज।